हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं और अब वो इस कंफ्यूजन में है कि आगे वो 11th की पढ़ाई किस स्ट्रीम के साथ करें। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको स्ट्रीम चूज करनी है और जिस स्ट्रीम को आप चूज करना चाह रहे हो उसके डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले किसी भी स्ट्रीम को चूज करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, किन चीजों पर हमें फोकस करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट इंटरेस्ट। आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो आपको सबसे पहले देखना होगा। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आपका मैथ्स में भी इंटरेस्ट है तब आप पीसीएम चूज कर सकते हैं। और अगर आपका साइंस में तो इंटरेस्ट है लेकिन आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो विदाउट मैथ्स तो आप पीसीएम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना जो डीप इंटरेस्ट है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आपको अपना देखना है। पहले खुद ही एनालिसिस इन चीजों का आपको करना होगा। सेकंड है इंटरनल फीलिंग, क्या आ रही है आपको। आपको लग रहा है कि मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं मैथ्स उतना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन साइंस के लिए आपको बहुत कीन इंटरेस्ट है, आप चाहते हो और आपकी इंटरनल फीलिंग ये आ रही है, ये कहती है कि ठीक है अगर मैं साइंस लेना ही चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ तो मैं मैथ्स में मेहनत करूंगी। तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, या आपको लगता है कि नहीं साइंस में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कॉमर्स लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ। तो ये आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी कि आपकी जो इंटरनल फीलिंग आएगी, जेन्युइन इंटरनल फीलिंग। देखिए कभी भी आपका करियर है ये, इसको कभी भी आपको किसी के इन्फ्लुएंस में चूज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं सुनना है कि आपके ट्यूशन कोचिंग वाले टीचर ने क्या आपको सजेस्ट करा है, आपके रिलेटिव्स आपको क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या ऑप्शन दे रहे हैं, आपका फ्रेंड कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है। बिल्कुल आपको इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सिर्फ आपको अपनी इंटरनल फीलिंग देखनी है। आपको ये देखना है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है और मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस सब्जेक्ट के संग आगे बढ़ सकता हूँ और अपना करियर चूज कर सकता हूँ। देखिए जो करियर आपका है, करियर हमारा चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पर, क्योंकि पूरी हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, वो हमारा आज 11th का जो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं उसी पे डिपेंड करता है, राइट। तो अपनी इंटरनल फीलिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको बिल्कुल भी स्ट्रीम चूज नहीं कर सेलेक्ट नहीं करनी है इससे, क्योंकि एक बार अगर आप स्ट्रीम ले लेते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। देखिए आपने 10th तक पढ़ाई करी है, आपको आपसे ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है। ये आपकी इंटरनल फीलिंग है कि मुझे क्या सब्जेक्ट चाहिए, या ये आपको अपने बारे में आपका क्या टाइम मैनेजमेंट है, मतलब आप एक लॉन्ग सिटिंग कितने मैक्सिमम कितने आवर्स की ले सकते हैं ये डिपेंड करेगा। और ये एनालिसिस कौन करेगा, ओनली यू, सिर्फ आपको ये एनालिसिस करना है। देखिए मैं किसी भी स्ट्रीम को, ऑल स्ट्रीम्स आर वेरी गुड एंड नो स्ट्रीम इज ईजी, ये बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ और ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि 10th में अगर किसी बच्चे के 80% मार्क्स आ जाते हैं तो उसको साइंस ही लेनी है। ये एक मिथ हमारे यहाँ इंडिया में बहुत टाइम से चला आ रहा है और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत चीजें इनसे चेंज हो रही हैं, इस थॉट से बहुत लोगों का माइंड जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे अच्छे स्कॉलर बच्चे होते हैं जो कॉमर्स चूज करते हैं और कहीं पर ऐसा नहीं है कि जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं और कॉमर्स लेने वाले बच्चे वीक हैं। बिल्कुल इस थॉट को आप माइंड से निकाल दीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है गो थ्रू विद दैट सब्जेक्ट, ओके। टाइम मैनेजमेंट की जैसे मैं बात कर रही थी कि देखिए नो डाउट आपने जो 10th तक 8th तक की साइंस आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो तो जनरल साइंस है। 9th-10th में आपने थोड़ी सी साइंस पढ़ी है लेकिन जो साइंस आप या मैथ्स जो आप 11th क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, 11th-12th में पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट
जो आपने अब तक साइंस पढ़ी है उससे, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखो तीनों ही सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, राइट? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, या बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाते हैं अगर इनका हम लेवल देखें तो, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें अभी तक साइंस में पढ़ते आए थे। तो कभी भी आप अपने 10th तक जो आपने साइंस पढ़ी है उसके बेसिस पर आप चूज नहीं कर सकते हो कि हमें साइंस लेनी है या। अब देखिए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, साइंस के लिए आपको एक लॉन्ग सिटिंग देनी जरूरी है हर सब्जेक्ट को। तो अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप डेली हर सब्जेक्ट को एक लॉन्ग सिटिंग दे सकते हैं, तो आपको साइंस ऑप्ट करनी चाहिए, और ये आपका इंटरेस्ट भी है। आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस चीज को करूंगा या करूंगी, तो आप उसको करिए, लेकिन ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको स्ट्रीम ऑप्ट नहीं करनी है, राइट? तो ये तो हो गए हमारे मेन फोकस पॉइंट क्या होते हैं जब हम स्ट्रीम को चूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दो मेन स्ट्रीम्स की हम बात करेंगे, साइंस एंड कॉमर्स की। तो हम कॉमर्स की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में आपको 11th क्लास में, चाहे आप साइंस पढ़ेंगे या कॉमर्स, आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो कॉमन होता है, ठीक है? उसके अलावा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जिस स्ट्रीम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अकाउंटेंसी। कॉमर्स में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो आपने 10th तक थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स ही मेनली आपका उसमें आता है टच में, या थोड़ा सा मैथ्स अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैथ्स आएगा, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए एकदम न्यू होते हैं। उसमें आपका जो लर्निंग है, आप समझ लो एक तरह से नर्सरी में आपका एडमिशन है, नर्सरी से जैसे आप ABCD स्टार्ट करते हो, वो बिल्कुल 11th में आपको, जब आप कॉमर्स लेते हैं तो वहां से आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है। तो शुरू से ही जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वही आपका बेस बन जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे हमने साइंस में बात कही 3 मेन सब्जेक्ट की, 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, दैट इज अकाउंटेंसी। इसमें आपको मेन सब्जेक्ट लिया जाता है कॉमर्स स्ट्रीम का, जिसमें आपको बहुत टाइम देना है, क्लियर? इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी में आप क्या क्या पढ़ोगे। देखो, जिन बच्चों को बैंक में जाना है, CA बनना है, वो सब लोग बच्चे जो हैं अकाउंट्स स्ट्रीम लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं। अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, बैंकिंग सेक्टर का सीखोगे, GST सीखोगे, टैक्सेस कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब चीजें आप अकाउंट्स में सीखते हैं, ठीक? तो आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज जो है ये टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखते हैं। जो बच्चे बिजनेस स्ट्रीम, बिजनेस करना चाहते हैं आगे अपना, तो उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्या है, बिजनेस स्टडीज में आपको सारा बिजनेस कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, वो सारी आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। थर्ड सब्जेक्ट आता है इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ये पार्शली प्रैक्टिकल हो जाता है, और आपको पता है जो अपनी इकोनॉमी है, कैसे पैसों का लेना देना लेना करते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी, कैसे मनी अर्न करते हैं, वो सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में सीखोगे कि किस तरह से मनी अर्न करके कैसे उनको इन्वेस्ट करना होता है, किस तरह से आप अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद इंग्लिश आ जाता है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एंड 5th सब्जेक्ट बच्चों हमें चूज करना होता है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है वो इतने 4 मेन सब्जेक्ट के संग थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसमें हमें इक्वली टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में भी आप कंप्यूटर पढ़ते हो, आप लैंग्वेज भी पढ़ोगे, बट इट इज फार सिमिलर, फार इजियर देन कंप्यूटर साइंस।
तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आईपी ऑप्ट करिए। इसके बाद आप यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि या तो आप कॉमर्स में, ये तो मेन सब्जेक्ट, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेने ही लेने हैं, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। इसके अलावा आप यहाँ जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इसमें आप ऑप्शन रख सकते हैं, या तो आप आईपी लीजिए, और अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो यहाँ पर आप कॉमर्स के संग मैथ्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। मैथ्स ऑप्ट करने के बाद आप जो है सीए वगैरह के एग्जाम दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, ICWA, CS, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आप ओपन हो जाते हो अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो। ये तो बात हो गई हमारी कॉमर्स सेक्शन की। अब हम चलते हैं अपना साइंस सेक्शन में। साइंस में देखिए दो स्ट्रीम, हम इसको बाइफर्केट करते हैं साइंस को, PCM एंड PCB में। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इसमें आप तीन मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे, लैंग्वेज दोनों में ही इंग्लिश सेम रहेगी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ोगे इंग्लिश सेम रहेगी, और यहाँ पे मैंने आईपी ही लिया है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इनके संग तो आपको आईपी ही चलेगा, अगर आईपी लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पर क्या चेंज आया, मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी। अब कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस के लिए बहुत इंटरेस्ट उनको होता है लेकिन वो मैथ्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो जिन बच्चों को साइंस के लिए, साइंस पढ़ने का मन है 11th क्लास में तो, और उनको मैथ्स नहीं लेना है, तो वो यहाँ पर बायो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फिजिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है विद फिजिक्स, दे परफॉर्म वेरी वेल इन PCM या साइंस स्ट्रीम। बायोलॉजी वाले बच्चों का हमेशा मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा फिजिक्स जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि वहां पर मैथ्स में वो वीक है तभी उन बच्चों ने बायोलॉजी लिया है, ठीक है। और फिजिक्स जो है उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो आपको मैथ्स के संग ही मिलते हैं, मैथ्स जैसे ही मिलते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इंग्लिश हमारा कॉमन रहेगा दोनों में, एंड आईपी दोनों में कॉमन रहेगा। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल क्राइटेरिया दे दिया कि किस स्ट्रीम में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आप अगर कॉमर्स लेते हो तो कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शन ओपन है, पीसीएम में कौन कौन से करियर ऑप्शन है, एंड पीसीबी में कौन से करियर ऑप्शन है। मैं फिर से आपसे ये बात कहूंगी कि कभी भी अपने 10th के रिजल्ट के बेस पर आप स्ट्रीम ऑप्ट मत करिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा बहुत अच्छा सा पढ़ रहा है लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या हो गया, अगर वो 80% लाने वाला बच्चा तो 60% या 70% पर आ जाएगा, तो क्या वो बच्चा साइंस नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको जो फोकस पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये फोकस पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आपको स्ट्रीम चूज करना है। और ये मेरी आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आपको स्ट्रीम चूज नहीं करनी है, कोई आपके बारे में नहीं जानता है, आप सबसे बड़े जज हैं अपने। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रीम आप चूज करोगे तो आपके लिए आगे के लिए कौन से करियर ऑप्शन ओपन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PCM, PCM इज फिजिक्स केमिस्ट्री विद मैथ्स। तो इसमें देखो 80% जो भी बच्चा PCM लेता है तो 80% एक ही उसका माइंड सेट होता है कि उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्लियर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो होते हैं आर्किटेक्चर्स। तो आर्किटेक्चर अगर आप ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप में एक ही स्किल है अच्छी ड्राइंग करने का, तो आप आर्किटेक्चर में जाइए, और इसके लिए भी आपको PCM ही लेना होगा। नेक्स्ट हो जाता है मर्चेंट नेवी, बहुत ही एक लग्जूरियस सा जॉब होता है ये मर्चेंट नेवी, ये भी आप PCM करके जाएंगे। कमर्शियल पायलट आपको अगर बनना है तो उसके लिए आपको PCM चाहिए। इंडियन डिफेंस सर्विसेज, जो आप NDA के थ्रू, NDA का आपको एग्जाम देना होता है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनके, जो PCM में आप देख रहे हैं सारे एंट्रेंस एग्जाम है। तो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए आपको NDA का एग्जाम देना होता है।
इसके बाद आप किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद आप एडुकेटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, अगर आप में टीचिंग का पैशन है। देखिए टीचर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि स्टडी लाइक अ टीचर, हमेशा एक टीचर की तरह ही आपको पढ़ाई अपनी डे वन से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं टीचर आपकी उस चीज में क्लियर होते हैं और आपको आंसर कर पाते हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करके डे वन से चलने पड़ेंगे, तब आप इस जो चॉइस है एडुकेटर की चॉइस आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीए है, बीसीए है, ये सारी स्ट्रीम्स भी इसमें आप ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो ये करियर ऑप्शन बीबीए और बीसीए का भी आपके सामने ओपन होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं ये मैंने आपको लिए एक बहुत ही जनरल से ऑप्शंस हैं जो बच्चे जल्दी अप्रोच करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं, लेकिन हमारे लिए मेन जो लाइंस होते हैं, जो मेन हमारे करियर ऑप्शन होते हैं, वो यही होते हैं इन स्ट्रीम्स के। देखिए पीसीएम लेने का फायदा एक ये होता है कि पीसीएम लेकर के आप जब आपने पीसीएम लेकर के 12th पास कराए तो उसके बाद यू कैन गो टूवर्ड्स द कॉमर्स और आर्ट का भी कोई आप सब्जेक्ट ले सकते हो। सपोज करो आपको आईएएस या सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए जाना है तो भी आप एलिजिबल हो पीसीएम लेने के बाद, या आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आपको एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, यू आर एलिजिबल इफ यू आर टेकिंग पीसीएम। तो पीसीएम लेने के बाद हमारे पास सारी लाइंस ओपन हो जाती हैं एक्सेप्ट पीसीबी, क्योंकि देखो यहाँ पे बायोलॉजी हो जाता है ना, बायोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप पीसीएम ऑप्ट करते हो तो सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड ऑप्शंस छोड़ के यू कैन चूज एनी करियर, ये एक हमारे को पीसीएम के संग बेनिफिट मिलता है। और नो डाउट क्योंकि आप तीन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल यहाँ पर बढ़ता है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है किसी भी चीज को प्रैक्टिकली हैंडल करने का जो एक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है 2 ईयर्स में, वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है उस, वो आपको एक अलग ला करके आपकी पर्सनैलिटी को खड़ा करता है। तो ये पीसीएम के बेनिफिट्स हो गया। पीसीबी में आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस डेंटिस्ट बन सकते हो, बीएचएमएस होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत जो एक इजी सा एक ऑप्शन चल रहा है आजकल, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं आप, बीएससी कर सकते हैं बायो में, बॉटनी जूलॉजी किसी में भी, इसमें केमिस्ट्री भी है फिजिक्स भी है, तो आप किसी में भी बीएससी कर सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं एंड एडुकेटर बन सकते हैं। तो ये आपके हो गए बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, पीसीबी आपने ऑप्ट करा है तो उसके करियर ऑप्शंस हो गए। इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स की साइड। कॉमर्स में आप चार्टेड अकाउंटेंसी कर सकते हो जो सबसे मेन चार्म होता है इस स्ट्रीम का, लेकिन बच्चों ये इतना इजी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। ये बेस्ट ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद। तो जो बेस्ट ऑप्शन के लिए अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हो तो यू हैव टू बी बेस्ट फ्रॉम द डे वन, आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए डे वन से। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एज अ करियर आप ले सकते हो। ICWA ये भी उससे ही रिजेंबल करता हुआ है, अकाउंटेंसी का ही है। इसके बाद आप बीकॉम कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इनमें आपको एडमिशंस बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, इनके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी होती है। इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप बीबीए बीसीए कर सकते हैं, इसके बाद एमबीए कर सकते हैं और आप एक एडुकेटर भी बन सकते हैं। तो ये मेन ऑप्शंस हो गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी। अब ये आप चूज करोगे कि आपका पैशन क्या है। ऑलवेज गो विद योर पैशन, आपका जो पैशन है हमेशा उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। आप इन ऑप्शंस को नोट डाउन करिए, थोड़ा सा आप फोकस करिए अपने ऊपर, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, आप फोकस करिए, आप अपना एनालिसिस करिए
कि आप क्या चाहते हो, आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता हमारी कैपेबिलिटी को, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो आगे जा करके। अगर आज आप 2 साल मेहनत करोगे आपको बहुत अच्छी लाइफ एक मिलेगी, और अगर अभी आपने 2 साल मेहनत कम करी और आपने ऐसे ही कुछ भी स्ट्रीम ले ली कि मुझे सिर्फ 12th करना है, तो वो चीज जो है आपको लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाती है। बिजनेस आप करना चाहते हो अपना बिजनेस, आप कॉमर्स में जाइए। आप हैकिंग का एक आजकल बहुत अच्छा एथिकल हैकिंग जो है उसका कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, वो आप PCM लेकर के कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करनी है। एंड आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर एंड स्टे सेफ।